ये अपने भारत विकास परिषद तरफों 15-20 साल तो लगातार तुलसी असं वंड रहे हैं। यदा मेन मकसद ही है लोगों को भारतीय संस्कृति ज्यौती रखनी। एक धार्मिक हिंदू धर्म का प्रतीक भी है और सब तो वड्डी गल है जो अपने घर तुलसी का पौधा होवे तां बीमारियां भी इस तो दूर भजदियां और काफ़ी बीमारियां इस तो ठीक भी होंदियां। इस करके असी हर साल साल में दो बारी भी कई बार तुलसी वंडदे हां और फ्री ऑफ कॉस्ट होंदी है, सिर्फ गमले की कीमत लैंदे हां और कई बार असी फ्री भी दे दिंदे हां। अज असी 150 के करीब पौधे लगाए जी, उन्होंने 100 तो उपर चले गए हैं और थोड़े बहुत बाकी है वो भी लग जाएंगे। भारत विकास परिषद वालों यह उपराला पिछले 15-20 साल तो चल रहा है। तुलसी के सब तो औषधिया गुण तो है ही, सब तो वधिया गुण यह है कि यह पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। आस पास के 100 मीटर के एरिए कोई भी पोल्यूशन नहीं रहता, तुलसी का यह सब तो व्डा गुण है। ये बारे असी सारे मतलब आस पास के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। असी भारत विकास परिषद है जी पिछले 30 साल तो सेवा कर रही है लोगों की, जिद तुलसी का भी हरेक साल असी बूटे बनते हैं तो बहुत गुणकारी बूटा है। ये वातावरण शुद्ध होंगे जी, से होर कई बीमारियों का मतलब ठीक होंदिया है। इस करके ये बहुत ही वधिया संस्था है जी, लोगों के सुख सुख के काम आती है तो लोग भलाई के काम करती है। तुलसी वंड समारोह किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो तुलसी बारे, तुलसी के सारे गुणों बारे उन्होंने दसिया जा रहा है। की गुण है जी, क्यों ही तुलसी का ही पौधे जो तुलसी के बहुत सारे गुण ने। तुलसी बहुत बीमारियां दूर करती है, तुलसी एक रामबन चीज़ है। सिर्फ गमले की कीमत ले जा रही है 30 रुपए। हाँ जी, किन्ने मतलब कि जी 150 गमला असं तैयार किया जो तुलसी लाई हुई है। हाँ जी, जो कोई वैसे कोई आता तो उन्होंने फ्री भी दे रहे हैं जी। उरे भारत विकास परिषद वालों तुलसी उत्सव मनाया जा रहा है, जिस विच असी तुलसी दे कुछ पौधे लैन आए सी। बहुत ही वधिया तुलसी है ते मैं तो हर बंदे नूं चाहूँगा कि अपने घर लैके जाए। एक तो पर्यावरण पिछे भी वधिया है, एक वैसे भी घर विच वृद्धि ते उन्नति पिछे बहुत वधिया अपने शास्त्रां दे अनुसार मन्नी जांदी है, इसलिए मैनूं आके बहुत वधिया लग्या उरे आके।